हमारे साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल जी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है और इस गिरफ्तारी पे विपक्ष लगातार इस बात का सवाल खड़े कर रहा है, आरोप लगा रहा है आपकी सरकार के ऊपर कि सबको ईडी सीबीआई का डर दिखा कर मनमानी की जा रही है। अच्छा, ये जो कुछ लोग बोल रहे विपक्ष के लोग, उनको अपने गिरवान में झांकना चाहिए और कानून अपना काम कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर ईडी अपना कार्रवाई कर रही है। इसमें परेशानी लोग है और अब ये सरकार में भ्रष्टाचार नाश नहीं होगा, जो लोग भ्रष्टाचारी होंगे उनको अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इस तरीके से जो आरोप लगे चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को अचानक इस तरीके से रेड डाल के गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ यही बार बार आरोप लगा था कि सिर्फ विपक्षी नेताओं विपक्षी दलों पर ही इस तरह से एजेंसियां हमलावर हैं। ये आरोप है कि एजेंसियां जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही है। एजेंसी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है और वो ऑटोनोमस बॉडी है। आप देखिए, पहले कांग्रेस के रिजिम में उस समय भी सारे लोगों को जो कार्रवाई कर रही थी, इसका मतलब कि वो जो मनभावना अभी रखे हुए हैं इसी तरह का काम कर रही थी। बहुत लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया है। तो अब किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और जो गड़बड़ किए हैं, जो देश की संपत्ति को लूटे हैं, जो जनता के पैसे को लूटे हैं, उनको जाना ही पड़ेगा जेल। कहीं कोई उनको बख्शने का काम नहीं करेगी सरकार और कार्रवाई का होते रहेगी। तो अभी तो तेजस्वी यादव लालू यादव पर भी कार्रवाई चल रही है, उनका देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए, जो लोग भी गड़बड़ करेगा हो जाएगा। रामकृपाल जी, तो ये थे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रशांति, News24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।